अभिरूप बैनर्जी, जिसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज है उसका मान और उसकी इज्जत। वो मान, वो इज्जत जो मुझे विरासत में मिली है। पर अगर मेरा बेटा उसी इज्जत को अपने पांव की तरह कुचल सकता है तो क्या फायदा, क्या फायदा मेरा जीने का। कर ले चारू से शादी, पर ये देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रह सकता। रोकना चाहता है मुझे, रोकना चाहता है अपने बाबा को। चुन, करेगा दुर्गा से शादी। आप यहां, अब यहां कौन सी जमीन लेने के लिए आ गए हैं आप? इस बार हम जमीन से कई ज्यादा कीमती चीज मांगने आए हैं बिनॉय बाबू। बिनॉय बाबू, हम सीधे इंसान हैं, इसलिए सीधी बात करेंगे। आपकी बेटी दुर्गा बहुत ही गुणवान है। कचहरी में मुकदमे के साथ साथ उसने हमारे बेटे अनिर्बान का दिल जीत लिया है। ये क्या कह रहे? और ये बात जैसे ही हमें पता चली, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। आ गए आपके सामने हमारे घर के चिराग अनिर्बान के लिए आपके घर की रोशनी दुर्गा का हाथ मांगने। चाहे कुछ भी हो जाए अभिरूप बैनर्जी, मैं तुम्हारे बेटे अनिर्बान को तुम्हारे दिल में जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। वो दिन कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी जब तुम सबके सामने उसे गले लगाकर अपना बेटा मानोगे, समझे? मुझ विधवा के अकेलेपन का फायदा तो तुमने उठाया, मगर अपनी मरी हुई बीवी के बाद जो हक, जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए था, वो तुमने मुझे कभी नहीं दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने? क्या कुछ नहीं किया मैंने? तुम्हें पूरी अपनी जिंदगी दे दी और तुमने मेरी जिंदगी में एक पल की खुशी भी नहीं भरी। यहाँ तक कि हमारे रिश्ते को कोई नाम भी नहीं दिया। कहाँ रह गए थे तुम? पता नहीं ये ब्लाउज की डोरी कैसे खुल गई, इसीलिए तुम्हें मदद करने के लिए बुला रही थी। सब थे ना, इसीलिए सबके सामने नहीं बोल पा रही थी, इशारा कर रही थी। अरे ये शारू कहाँ गई? कुछ इशारे में बोलती रही थी पर मुझे समझ ही नहीं आया। और ये अनिर्बान भी कहीं नहीं दिख रहा है। पता नहीं होली का नाच गाना छोड़कर कहाँ चले गए दोनों। अरे सुनो, चारू को कहीं देखा? वो उस गली में गई होगी। ठीक है, वहीं जाकर देखती हूँ। आज कितना मजा आ रहा है ना, ये सब नाच गाना, मैं और तुम। जैसे लग रहा है कि हर जगह प्यार का रंग बिखरा हुआ है। दुर्गा, तुम बोंदिता माँ की साड़ी पहनो, वो खूब जचेगी तुम पर। है ना, माँ की साड़ी।
बंदिता की साड़ी। एक मिनट है, दाड़ा, आसची दाड़ा। इसे पहनेगी ना तो बंदिता के साथ उसका आशीर्वाद भी तेरे साथ रहेगा। पहनेगी ना? चुमकी, मैं क्या कह रही थी, ये साड़ी भी मेरी बंदिता की है। इसे तुम पहनोगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ये तुम पहन लो। नहीं नहीं मासीमा, ऐसी पुरानी साड़ियां मुझ पर अच्छी नहीं लगती। मासीमा, क्या मैं पहन सकती हूँ ये साड़ी? तू पहनोगी? हाँ, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। एक खूब सुंदर लगते देखते। हाँ, तुम ही पहनो। बाबू, सब ठीक तो है ना? जवाई बाबू नहीं है तो देख रहे हैं ना, सब बातें कर रहे हैं मेहमान। विनोद बाबू, आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो बस आता ही होगा। आपने हाथ जोड़कर ये रिश्ता मांगा था ना? हम गए थे आपके पास, नहीं ना? आपने कहा था कि आपकी बेटी की मर्जी और पसंद दोनों शामिल है। फिर क्या है ये सब? कहाँ है वो? क्यों मेरी दुर्गा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, मैं कह देती हूँ, अगर मेरी दुर्गा के सम्मान पे कोई चोट आई तो ये ठीक नहीं होगा। तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। बिस्वा बेटा, वो अनिर्बान कहीं फंस गया होगा किसी काम में, आता ही होगा बस। हाँ, हमारा अनिर्बान जवान खून है, वो अपनी दुर्गा के लिए कोई तोहफा लेने के लिए गया होगा, वो शादी से भागा नहीं है।